लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस पति ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो कोई सोच नहीं सकता, और पति की हरकत पर कोर्ट ने जो कहा वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कोर्ट ने पति की बत्तीसी जब्त करने के निर्देश पुलिस को दे दिए। जी हाँ, दांतों की बत्तीसी आप जानते होंगे, और ये मामला है काफी अजीबोगरीब। आप भी सोचेंगे ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने पत्नी की शिकायत के बाद पति के बत्तीसी जब्त करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। मामला इंदौर का है, जहां पर गुजरात का रहने वाला एक नामचीन ज्वेलर, इसका नाम गिरीश बताया जा रहा है, इसने इंदौर की रहने वाली महिला से अक्टूबर 2021 में शादी की। शादी के बाद इसने अपनी पत्नी को शारीरिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान वो अपनी नकली बत्तीसी से उसके शरीर को काटता था, इस तरीके की गंदी हरकत करता था। अब इस पूरे मामले में पीड़िता क्या कह रही है, खुद सुनिए। किस तरह से आपको शारीरिक शोषण देता था और आज कोर्ट ने किया क्या? मेरे को वही बस गंदी तरीके से नोचना, गंदी तरीके से काटना, और हैवानियत की तरह मेरे संग में मत सब चीज़ें करना, और विदेशी प्रकार से सब चीज़ें करना। मतलब मेरे को बोलता था कि मेरे संग ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर, नहीं करेगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं तुझे भगा दूँगा, मैं तो इसीलिए लाया हूँ यहाँ पर। इंदौर में भी उसने मुझसे जब शादी करी, मेरे मतलब जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर मेरे घर पे कनाडिया में, उसने वहाँ पर फर्स्ट डे ये चीज़ करी थी, फर्स्ट नाइट को। तो मैंने उसको समझाया भी था, तो आपत्ति ली मैंने उसको, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहा, तो उसने बोला चलो ठीक है, बोला अब नहीं करूँगा। क्या चाहते हैं कोर्ट से आप, किस तरह से न्याय मिले, किसी सजा देना चाहिए ऐसे हैवानियत लोगों को? नहीं, मुझे तो उसको सजा दिलवानी है और मुझे उसको अंदर करवाना बस, मुझे इससे, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हुआ है। जितने टाइम मैं उसके साथ रही हूँ उसने मुझे बहुत कष्ट दिया है। सुना आपने, पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई किस तरीके से पति जो है इस हैवानियत भरी हरकत को अंजाम देता था। अब इस मामले में पुलिस में चूंकि शिकायत दर्ज कराई गई थी दिसंबर में, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने ऐसे आरोपी पति की जमानत याचिका जो थी अग्रिम, उसको खारिज कर दिया। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। निवासी पीड़िता है, इनका विवाह सन 2021 में अक्टूबर के अंतर्गत गुजरात के एक नामचीन व्यापारी गिरीश कुमार सोनी से हुआ था। शादी होने के पहले गिरीश कुमार सोनी ने बोला था कि उसकी पूर्व पत्नी कोरोना में मर गई है, क्योंकि इनके भी पति से इनका डाइवोर्स हो गया था। तो दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख का साथी समझ के एक दूसरे से शादी करने का निर्णय करा। इंदौर में आर्य समाज मंदिर में शादी हुई। शादी होने के पहले ही रात को कनाडिया क्षेत्र में पीड़िता के घर पर जो आरोपी है गिरीश कुमार सोनी, जो कि 67 वर्षीय और पीड़िता उनसे 27 वर्ष छोटी है, उसने अपनी नकली बत्ती से दांतों से पीड़िता के पूरे शरीर पर जख्म देते हुए हैवानियत के रूप में काटा। और न केवल पीड़िता के शरीर पर काटा, बल्कि काटने के दौरान उसके साथ में विदेशी स्टाइल में शारीरिक संबंध बनाया, अप्राकृतिक कृत्य करा और वाइल्ड सेक्स करा। इन सब चीज़ों को लेकर जब पीड़िता ने आपत्ति करी तो उसने भविष्य में इस प्रकार की हरकत ना करने का आश्वासन दिया, लेकिन पुनः पीड़िता को अपने निवास गुजरात ले जाकर वहाँ पर उसने फिर पीड़िता के शरीर पर अंगों पर काटते हुए उसको पीड़िता घाव कर दिए, जिनको लेकर पीड़िता को कई बार घिन जैसे आती थी, उल्टी हो जाती थी। ये सब चीज़ों को लेकर जब पीड़िता ने आपत्ति ली तो उसको गुजरात से ये कहते हुए मना भगा दिया कि भले मैं तो इसी कारण से तुझे लाया हूँ, और नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और गुजरात का बहुत बड़ा नामचीन व्यापारी हूँ, अगर घटना किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा। सुना आपने, वकील बता रहे हैं कि कोर्ट ने सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाला मामला इंदौर का है। जैसा मैंने आपको बताया, शादी हुई थी, शादी के बाद लगातार वो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अपनी पत्नी को इसी तरीके से शोषण किया करता था, हैवानियत भरी हरकत करता था, नकली दांत थी। 68 साल का ये शख्स गुजरात का नामचीन ज्वेलर से है, और अपने से 27 साल छोटी महिला से इसने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद जिस तरीके से अपनी पत्नी को ये प्रताड़ित करता था, पत्नी ने तंग आकर आखिरकार पुलिस की शरण ली, और पुलिस ने मामला दर्ज किया, और कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई इस पूरे मामले में, और कहा है बत्तीसी जब्त करने को, नकली दांतों की बत्ती से अपने पत्नी को इस तरीके से ये शख्स परेशान किया करता था। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देख रहे हैं एमपी तक।